I warmly welcome you all to Rashtrapati Bhavan. As doctors and health practitioners, you have a seminal role to play in nation building. You represent the lifeline of this nation. You are responsible for keeping us healthy and fit. स्वतंत्रता के बाद से और ख़ास तौर से हमारी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के बाद भारत ने अनेक क्षेत्रों में तेज प्रगति की है। इससे हमारे प्रतिभावान नौजवानों और विशेषकर डॉक्टरों और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अनेक अवसर भी पैदा हुए हैं। फिर भी आपने सरकारी सेवा में शामिल होने का जो निर्णय लिया, इसका अर्थ है कि आपने देश की सेवा करने और हमारे उन देशवासियों के लिए काम करने का रास्ता चुना है जिनके पास संसाधन कम होते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं जिनकी पहुंच के बाहर होती है। संक्षेप में कहा जाए तो आपने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता चुना है। मैं आपके इस निर्णय का स्वागत करता हूं। आप पर और आपके कार्य पर लोग बहुत भरोसा करते हैं। हमारे देश का गरीब आदमी तो डॉक्टर को भगवान मानता है। मुझे विश्वास है कि आप पूरी निष्ठा से काम करते हुए इस भरोसे को कायम रखेंगे। आपके मन में लोगों के लिए, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए, करुणा और संवेदना। कहा जाता है कि जब रोगी आपके पास आता है बहुत उम्मीद लेके आता है, और सबसे बड़ी उसकी उम्मीद ये है कि जब आपके पास से वापस जाए तो उसको इतना सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि वो मान करके चले कि नहीं, मेरा आना यहाँ पर सार्थक हुआ। और यदि इसकी कमी रह गई तो इसका मतलब ये है कि उस रोगी की गलती नहीं है, गलती हमारी है। और बहुत कुछ हमें ध्यान रखना, जिसकी संवेदना की बात की थी, सेंसिबिलिटी की, आपको ये भी याद रखना होगा कि सेवा के लिए निष्ठा और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अभी आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, और वो साइकोलॉजी जब हम पद और प्रतिष्ठा जब कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अभी तो असली चैलेंज जो है, असली टेस्ट जो है आपका शुरू होगा जब आप फील्ड में जाएंगे, और फील्ड का टेस्ट जो है आपके सबॉर्डिनेट्स जो वहाँ पर परमानेंटली सर्विस दे रहे हैं वहाँ पर शुरू होगा। और वो कुछ एलिमेंट्स इस प्रकार के होते हैं, हर एस्टेब्लिशमेंट में होते हैं, जो कि काम को प्राथमिकता कम देते हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप सब समझ गए होंगे, उसमें उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। और इस प्रकार से आप लोगों को एल्यूरमेंट्स जिनको कहा जाता है उनके बहुत मौके मिलेंगे, आपको सीधे सीधे नहीं मिलेंगे, उन्हीं के थ्रू मिलेंगे। उस समय आपका विवेक क्या काम करता है, जिसके लिए आपने अभी कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, ये वाक्य बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इसका पालन करना है आपको तो आपको बहुत ईमानदारी के साथ पालन करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि उसका पालन करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसी समय आपको एक लगेगा कि दिस इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन यू कैन टेक अ डिसीजन ऑन योर ओन। और अगर नहीं लिया तो आप एक बार नहीं फिसलेंगे, जिंदगी भर के लिए फिसल जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी दैट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ स्टार्टेड द फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल हेल्थ सर्विस टू इक्विप देम टू डील विद मल्टीपल रोल्स। Universal health coverage is a priority for our government. The rollout
of the Ayushman Bharat Yojana is a critical step not just for the management of public health, but for safeguarding our most precious asset, that is our human capital. You will be part of this exciting once-in-a-generation initiative. It has the potential to change India forever. There is a reason for hope, because in the course of our development as a nation, we have achieved significant milestones in the health sector. We have eradicated smallpox and polio. We have made marked improvements in immunization coverage with Mission Indradhanush, targeting hitherto hard to reach areas and communities. We have also reduced the maternal mortality rate, infant mortality rate, and total fertility rate. The progress made under the Swachh Bharat program will also have many positive implications for public health. Despite such good news, a combination of old and new challenges lies before us. The disease burden in our country is undergoing an evolution. We have to tackle widespread diseases such as TB, malaria, and dengue, and at the same time deal with the rising incidence of other lifestyle diseases. Along with challenges of our disease burden, we have issues of delivery, access to services, and affordability. The road before all of you, rather all of us, I should say, is tough but not impossible to navigate. With dedication, drive, and determination, we can do it. During your long career ahead, you will be performing many roles in the health field. You will be involved in healthcare delivery, in administering and leading projects, and at times providing policy inputs. I would also suggest that where possible, you make a preventive approach to health rather than solely a curative. In this context, integrating our traditional systems of medicine, that is Ayush, into our healthcare framework must be a priority. In a time of newly emerging diseases and global pandemics, public health is as much a domestic problem as an international one. At the United Nations in 2015, the global community adopted a menu of sustainable development goals. Meeting health challenges forms an important part of these goals. And for India to meet its benchmarks is an important part of the achievement of these goals. As public health specialists, you are field commanders of our SDG campaign. Our safety and well-being literally is in your hands. With those words, I wish you all success as you step into what will no doubt be a long and meaningful career. India has great expectations from you. May you fulfill all of them and more. Thank you. Jai Hind.